गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज से ये जो हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12 सब्जेक्ट जूलॉजी, चैप्टर 23 टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें नेक्स्ट जो रोग है, डिजीज है, वो फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर है, इसका मुख्य जो कारण होता है वो धूम्रपान होता है। मुख्य कारण धूम्रपान, और धूम्रपान में भी सिगरेट, जिसे लोग बहुत ही चाव से पीते हैं। इस सिगरेट की बहुत ही साइड इफेक्ट्स हैं। इसके कारण बहुत बड़ी बीमारी, जो कि फेफड़ों का कैंसर है, वो होने की संभावनाएं होती है। कारण ये है कि सिगरेट के अंदर कुछ रसायन पाए जाते हैं। ये रसायन जो होते हैं कैंसर जनक होते हैं, कैंसर जनक, कैंसर को जन्म देते हैं। इसमें इसकी धुआं जो होती है श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना बढ़ाती है। सिगरेट पीने से इसकी धुआं जो होती है, ये श्वसनियों के अंदर, श्वसनियों में उत्तेजना जो होती है उसको बढ़ा देती है। उत्तेजना बढ़ने से श्वसनियों की जो सेल्स होती हैं, इनके अंदर अनियंत्रित विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अनियंत्रित विभाजन, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन जो है, उसे धीरे धीरे कोशिकाओं का समूह तैयार हो जाता है और गुच्छा बन जाता है, जो लास्ट में जाकर कैंसर का रूप ले लेता है। इस प्रकार से कैंसर बनता है और इससे बहुत ही पीड़ा महसूस होती है, श्वास लेने में कठिनाई आती है और विभिन्न प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। इसकी बचाव जो है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन बचाव है कि आप, बचाव ही उपाय, उपचार है। तो यहां से देख सकते हैं, धूम्रपान से बचें। धूम्रपान से अगर बचेंगे तो फेफड़ों के कैंसर से बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिलिकोसिस है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी खानों के अंदर खान है, जिनमें उनको प्राप्त किया जाता है, तो वायु प्रदूषण के दौरान वो जो तत्व हैं वो धूल के साथ या वायु के साथ मिलकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें है सिलिकोसिस। नेक्स्ट सिलिकोसिस, और दूसरा जो है इसके अंदर वो एस्बेस्टोसिस। यहां से जो खाने होती हैं, जिन खानों से सिलिका और एस्बेस्टोस ये प्राप्त किया जाता है, उन खानों के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले श्रमिक, इन श्रमिकों के अंदर यहां से सिलिका और एस्बेस्टोस जो होता है, ये वायु के साथ मिलकर इनके शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। ये फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों के अंदर जाकर फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस और सूजन उत्पन्न करते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब है जो श्वसनीय फेफड़े जो पाए जाते हैं, फेफड़ों के ऊपरी भाग में तंतु में उत्तक पाए जाते हैं, तंतु में उत्तक पाए जाते हैं। इन तंतु में उत्तकों के अंदर वृद्धि होती है, इनकी संख्या जो होती है उसमें वृद्धि होती है। तंतु में संयुक्त उत्तक जो के अंदर वृद्धि जो हुई है, इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, और इसके साथ में सूजन उत्पन्न होती है। तो इससे जो लक्षण है वो श्वसन से संबंधित होंगे, श्वास लेने में कठिनाई, लेने में कठिनाई होगी, इसी के साथ पीड़ा की पीड़ा महसूस होगी, कि असहनीय रोग है। इनका उपचार, उपाय, उपचार और उपाय के अंदर
जिन कारणों से यह होता है उनसे बचना चाहिए। होता किससे है? सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। तो ऐसे जगह जहां खान जिनके अंदर इनको निकाला जाता है वहां पर उचित व्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए, वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इनसे दूर रहकर अपन बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रोग जो है वो कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।